नमस्कार, मेरी रसोई में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं नारियल के लड्डू, जिसे आप किसी भी पूजा में प्रसाद के रूप में बना सकते हैं या फिर जब मन चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। ये झटपट बन जाता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पानी वाला नारियल लिया है, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। हमने नारियल को छील लिया था, फिर इसके कवर को निकाल कर इसे काट लिया था। हमने लड्डू बनाने के लिए दो नारियल का यूज़ किया है, हमने दोनों को कद्दूकस कर लिया है, यानी कि ग्रेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई गरम की है, इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसमें कद्दूकस किए हुए नारियल को डालेंगे और इसे हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपकने लगेगा और जल जाएगा। गैस को हम मीडियम रखेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए, नारियल अब ब्राउन हो गया है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 1 कटोरी चीनी लिया है। अब उसी कटोरी से हम 1/2 कटोरी पानी लेंगे। इससे हम चाशनी बना लेंगे। ये देखिए, चीनी जो है वो अच्छे से पिघल गई है, चाशनी भी हमारी बन ही गई है। इसे हम पानी में डालकर हाथ से चेक कर लेते हैं। चाशनी पानी में घुली नहीं है, ये नीचे जाकर बैठ गई है, इसका मतलब ये रेडी है। अब हम भुने हुए नारियल को चाशनी में डालेंगे और 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे। इन दोनों को हमें बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। हमने इसे 5 मिनट तक अच्छे से मिला लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से गोल बनाते हुए लड्डू का शेप देंगे। आपको जितना छोटा या बड़ा लड्डू बनाना है आप उस हिसाब से बना लें। इसी तरीके से अब हम सब लड्डू को बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बन जा रहा है, ये टूट नहीं रहा है। ये देखिए, हमने सभी लड्डू को बना लिया है। नारियल के लड्डू को आप इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।